आप सभी दोस्तों का नई वीडियो में वेलकम है। तो आज हम बोनसाई आपको दिखाएंगे कि किस तरह के बोनसाई और इनके क्या रेट होते हैं। तो इस नर्सरी पे हम आए हुए हैं, तो यहाँ आपको बोनसाई गमले पॉट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लास्ट तक देखिए। यहाँ का एड्रेस और यहाँ इस नर्सरी का नाम मैं इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा और रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आज मैं जो रेट आपको बताऊँगा, हो सकता है अगले महीने इसका कुछ और रेट हो या 10 दिन बाद कुछ और रेट हो। तो जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप मेरी वीडियो देख के ये मत कहिए कि हमें इसी प्राइस में चाहिए। हो सकता है आज मैं जो रेट बता रहा हूँ वो कल कम हो या फिर ज़्यादा हो जाए। तो हम चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं बोनसाई का कलेक्शन। तो आप में से बहुत जो लोग बोनसाई नहीं जानते, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, बोनसाई एक जापान की कला है। जापान में बहुत पहले शुरू की गई थी कला, जिसमें एक पौधे को पुराने पेड़ का शक्ल दिया जाता है, एक शेप दी जाती है। तो देखने वो पौधा ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना पेड़ हो। और इसको हम अपनी बालकनी या फिर अपने टेरेस पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। बड़े दरख्त को लगाने के लिए हमें बहुत जगह चाहिए होती है, और छोटे से पौधे को अगर हम दरख्त का शेप दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसमें बहुत सालों की मेहनत लगती है, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस भी जो है ज़्यादा होती है। आपको 20-20 हज़ार रुपये तक के बोनसाई देखने को मिल जाएंगे, और जो कि कम प्राइस से भी शुरू होते हैं। और जितना ही पुराना दरख्त रहेगा, जितना पुराना वो लगेगा, उसी हिसाब से उसकी प्राइस होती है। तो आप देख सकते हैं, और इसको कई स्टोन पे भी लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के बोनसाई आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर इसको जब हमारे इंडिया में आया, तो कई नर्सरी फार्म, बड़े बड़े जो फार्म हाउस हैं वहाँ पे इस कला को फिर किया गया। और अब हमारे वर्ल्ड में आपको हर जगह बोनसाई नर्सरी पे, फार्म हाउस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनको घर में भी तैयार कर सकते हैं, बस इन पे मेहनत करनी पड़ती है। इनकी जो रूट है वो हमें ऐसे प्लांट की रूट लेनी है जो कि हार्डी हो। ऐसे हमें प्लांट नहीं लेने हैं जो कि काफ़ी नाजुक होते हैं। जो हार्डी प्लांट है उनको हम बोनसाई बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे इस नर्सरी पे आपको बहुत अलग अलग शेप के बोनसाई देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा गहरा गमला नहीं लेना होता है। हमें इसमें जो कि गमले की गहराई कम लेनी होती है, और जो गमले का ऊपर का सरफेस होता है वो हमें काफ़ी बड़ा होना चाहिए। और इसको फिर हम अपने हिसाब से काफ़ी खूबसूरत बोनसाई बना सकते हैं। इसमें हम फ्रेंड्स अगर छोटे से झूले लगा दें, जो कि जैसे हम बड़े दरख्त पे देखते हैं कि बच्चों के लिए झूले होते हैं, उस टाइप में, या हम और भी इसको स्टोन लगा के बहुत ही इसे हम खूबसूरत बना सकते हैं। ये आप पे है, आप अपने बोनसाई को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। आप इस पे जितने काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ताकि ये देखने पे बहुत ही पुराना एक पेड़ हमें लगे। तो आप देख सकते हैं इसको एक स्टोन पर इसको लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ के ओनर से आपकी बात करवाते हैं कि इस समय आपको नर्सरी पे किस किस रेट पे जो है बोनसाई देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे जेड प्लांट की भी बोनसाई बना सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ के ओनर से, आपको यहाँ पे मिलवाते हैं और उनसे कुछ प्राइस जानते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपके 1500 रुपये के हैं। ये ऊपर 1200 रुपये का गोला है। इधर ये इधर अपने 500 रुपए का, देखो 1, 2, 3, 4 ये 500 वाले हैं। ये 1200 रुपए का है, ये सामने 8000 रुपए का है। अच्छा, ठीक है, उसको उधर रखे ये वाले 1200 रुपए के हैं। वो जेड रखी है 7500 रुपए की है, और ये बड़े वाले 8500 रुपए का पेड़ है वो। ठीक है, उधर वो कौन सा है, बरगद है क्या, कौन सा है, बड़े बड़े, वो क्या रेट है, 8000। तो फ्रेंड्स, आपने देख सकते हैं, आपको यहाँ के ओनर से मिलवाया, और आपको रेट कुछ पता लग गए होंगे कि इस नर्सरी पे आपको क्या क्या प्राइस में बोनसाई मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इनके जो प्राइस है वो कभी ज़्यादा कभी कम होते हैं फार्म हाउस के सीजन के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं
ये बुद्धा जी कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर तरह के बोनसाई आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर कमेंट करेंगे कि हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करें तो हम इसमें डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कैसे हम बोनसाई घर में तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से हम प्लांट बोनसाई के लिए ले सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्दी हम मिलते हैं अगले रविवार को, संडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करते रहिए। फिर जल्दी मुलाकात होती है। हैप्पी गार्डनिंग।